शायरी की और बहर और वजन की बात हो तो इफ्तिखार आरिफ साहब आप बच नहीं सकते। ये आप अब पकड़े गए हैं आज। अब तो कुछ सुनाना पड़ेगा आपको। मैं ये मुझे अब बकरीद के रोज पे तो कुछ भी सुना दे। मैं एक ऐसी गजल के कुछ शेर सुनाऊं। जी जी चलिए एक नज्म सुना देते हैं और ताकि इससे पीछा छूट जाए गजल से। सही। मोहब्बत की आखिरी नज्म। वाह। मेरी जिंदगी में बस एक चिराग है, एक किताब है, एक ख्वाब है और तुम हो। फिर से इरशाद। मेरी जिंदगी में बस एक चिराग है, एक किताब है, एक ख्वाब है और तुम हो। मैं चाहता था किताब व ख्वाब के दरमियान जो मंजिलें हैं तुम्हारे साथ बसर करूं। वाह वाह। मैं चाहता था किताब व ख्वाब के दरमियान जो मंजिलें हैं तुम्हारे साथ बसर करूं। यही कुल असास है जिंदगी है, इसी को ज्यादा सफर करूं। वाह। किसी और समत नजर करूं तो मेरी दुआ में असर न हो। किसी और समत नजर करूं तो मेरी दुआ में असर न हो। मेरे दिल के ज्यादा खुशखबर पे बजुस तुम्हारे कभी किसी का गुजर न हो। मगर इस तरह के तुम्हें भी इसकी खबर न हो। वाह वाह। मगर इस तरह कि तुम्हें भी इसकी खबर न हो। इसी एहतियात में सारी उम्र गुजर गई। वो जो आरजू थी किताब व ख्वाब के साथ तुम भी शरीक हो, वही मर गई। इसी कश्मकश ने कई सवाल उठाए हैं। वो सवाल जिनके जवाब मेरी किताब में हैं ना ख्वाब में। मेरे दिल के ज्यादा खुशखबर के रफीक तुम ही बताओ फिर कि ये कारोबार हयात किसके हिसाब में। मेरी ज़िंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। क्या खूब। और मेरे ख्याल में इसी नज़म पे हम आज का ये जो प्रोग्राम है वो ख़त्म करते हैं।